हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 11th इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल से लेसन नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन की समरी को इजी वे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिस प्ले इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेरेंस रतिगन्स प्ले। ये नाटक टेरेंस रतिगन के नामक द ब्राउनिंग वर्जन में से लिया गया है। इट इज द लास्ट डे एट अ स्कूल। यह एक स्कूल का अंतिम दिन था। व्हाइल ऑल अदर स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट आफ्टर स्कूल टाइम, टैप्लो हैज टू स्टे बिहाइंड। जबकि सभी अन्य विद्यार्थी स्कूल समय के बाद चले गए थे, परंतु टैप्लो को वहीं रुकना पड़ा। ही हैज बीन गिवन एक्स्ट्रा वर्क टू Do because he had been ill for a day during the week and missed the class. उसे करने को अतिरिक्त काम दिया गया था क्योंकि सप्ताह के दौरान वह एक दिन बीमार रहा था और उसे कक्षा में छुट्टियां करनी पड़ी थी। His teacher, Mr. Crooker Harris, has told him that he would come at 6:30 and see the work done by him. उसके अध्यापक मिस्टर क्रूकर हैरिस ने उसे कह रखा है कि वह 6:30 बजे आएगा और उसके द्वारा किए गए काम को देखेगा। इट इज ऑलरेडी 6:40 एंड मिस्टर क्रूकर हैरिस हैजंट कम येट। अब 6:40 हो चुके थे तथा मिस्टर क्रूकर हैरिस अभी तक नहीं आया था। अनदर टीचर नेम्ड फ्रैंक कम्स देयर। फ्रैंक नाम का एक अन्य अध्यापक वहां आ जाता है। ही सीज टैप्लो वेटिंग फॉर मिस्टर क्रूकर हैरिस। वह टैप्लो को मिस्टर क्रूकर हैरिस की प्रतीक्षा करते हुए देखता है। ही टेल्स टैप्लो दैट ही शुड गो बिकॉज मिस्टर क्रूकर हैरिस हैजंट अराइव्ड सो फार। वह टैप्लो से कहता है, उसे चले जाने के लिए कहता है क्योंकि मिस्टर क्रूकर हैरिस अभी तक नहीं आया। बट टैप्लो डजंट डेयर टू डू दैट। किंतु टैप्लो ऐसा करने का साहस नहीं करता है। फ्रैंक फील्स जेलस टू सी दैट स्टूडेंट्स होल्ड मिस्टर क्रूकर हैरिस इन सच फियर। फ्रैंक को यह देखकर ईर्ष्या महसूस होती है कि विद्यार्थी मिस्टर क्रूकर हैरिस से इतना डरते हैं। ही इनकरेज टैप्लो टू मेक फन ऑफ मिस्टर क्रूकर हैरिस। वह टैप्लो को मिस्टर क्रूकर हैरिस का मजाक उड़ाने के लिए उत्साहित करता है। इन द मीन टाइम मिसेस क्रूकर हैरिस कम्स देयर। इसी समय श्रीमती क्रूकर हैरिस वहां पर आ जाती हैं। शी सेज दैट हर हस्बैंड हैज गॉन समवेयर एंड इट वुड टेक हिम क्वाइट सम टाइम टू कम बैक। वह कहती हैं कि उसका पति कहीं गया हुआ है तथा उसे वापस आने में काफी समय लग जाएगा। She asks Taplow to go and play until Mr. Crocker Harris comes. वह टैप्लो से कहती है कि वह तब तक जाकर खेले जब तक कि मिस्टर क्रूकर हैरिस वापस नहीं आता। Still Taplow is afraid to go. फिर भी टैप्लो जाने से डरता है। She says that she will take the blame on herself and sends Taplow to a chemist to get some medicine. वह कहती है कि इसका दोष वह अपने ऊपर ले लेगी तथा टैप्लो को कोई मुख्य उद्देश्य दवाई प्राप्त करने हेतु केमिस्ट के पास भेज देती है। क्लियरली हर चीफ पर्पस इज नॉट टू गेट द मेडिसिन बट टू हेल्प द पुअर बॉय इंजॉय फ्रीडम फॉर सम टाइम एट लीस्ट। इससे हमें स्पष्ट यह दिखता है कि उसका उद्देश्य दवाई प्राप्त करना नहीं था, अपितु तो उस बेचारे लड़के की मदद करना था ताकि वह कम से कम कुछ समय के लिए आजादी का आनंद ले सके। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।